ये सच्ची मोहब्बत, सच्ची अकत, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत है। जब पाकिस्तान छोड़ गया ये तो सच्ची मोहब्बत होगी। दिखाई रख समझे, मेरे एक भाई ने दिए 5100 रुपए, दूसरे भाई ने 5100, जो औरतें आ रही हैं अड़ोस पड़ोस वाली 5-500 रुपए दे के जा रही हैं मैक्सिमम। यहाँ तक हो गया जी, मतलब पूरा सहयोग चल रहा है, फुल सहयोग। अभी लड़के को कोई भी तरीके की कोई आवश्यकता जरूरत पड़ेगी वो भी करी जाएगी भाई के लिए। ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान ने दोस्ती को हाथ बढ़ाया हुआ, रिश्ते जो खराब हो गए वो प्यार में बदल जाएंगे। और भी आनी चाहें तो हम और अन्य भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और भी रख लोगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तैयार है। हाँ तैयार है, रघुपुरा तैयार है। मतलब आप भी तैयार हो? हाँ, हम भी रख लेंगे। इस वक्त मैं रघुपुरा गांव में हूँ। ये रघुपुरा गांव सुर्खियों में है क्योंकि पाकिस्तान से आई सीमा ने सचिन से प्यार कर लिया और अब वो भारत आ चुकी है। इसी रघुपुरा की गलियों में इस वक्त वो मौजूद है और जहाँ पर वो अपने पति के साथ रहती है, 4 बच्चों के साथ वो यहाँ पर पहुँची है। और गाँव के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी है, वो किस तरीके से सोचते हैं, उनकी इस पर क्या राय है, इसी पर बातचीत करेंगे। युवा साथी हमारे साथ हैं और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे आप देख रहे हैं, जो सीमा थी इस्लाम धर्म में थी, बुर्का पहनती थी वहाँ पर, और आज आपके रघुपुरा में धर्म परिवर्तन कर वो यहाँ पर हिंदू बन गई है और पाकिस्तान से आकर सचिन से ब्याह रचा लिया है, क्या कहेंगे आज आप? ये तो बहुत अच्छी मिसाल है, भारत पाकिस्तान के नई रिश्तेदारी जोड़ रही है जी। अब तक तो दुश्मनी जुड़ती रही है, तो लेकिन अभी पाकिस्तान में तो बड़ी लोगों को दिक्कत है, कैसे हो गया, क्यों हो गया। हैदर जो है वो धमकी दे रहा है, वहाँ पर रो भी रहा है, आंसू भी आ रहे हैं। जी ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान ने दोस्ती को हाथ बढ़ाया हुआ, रिश्ते जो खराब हो गए वो प्यार में बदल जाएंगे। और भी आनी चाहें तो हम और अन्य भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और भी रख लोगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तैयार है। हाँ तैयार है, रघुपुरा तैयार है। मतलब आप भी तैयार हो? हाँ, हम भी रख लेंगे। आप क्या कहोगे भाई साहब, क्या कहोगे, कैसी लगी बहू पाकिस्तान? बहुत अच्छी लगी जी, संस्कारी है, इंडिया को अपनाना चाह रही है और सब पूजा करना है। उसने क्या नाम है, नॉन वेज खाना बंद कर दिया। अच्छा, हाँ जी। तो अब लग रहा है कि अब सात्विक भोजन खाएगी वो? जी बिल्कुल खाएगी, उसने तैयार है वो सब कुछ खाने के लिए, जो इंडियन खाना वो खाने के तैयार है, मगर वो नॉन वेज खाने को तौबा कर चुकी है वो कल। अच्छा, नॉन वेज खाने को तौबा कर जी। और यहाँ पे तो ऐसा नहीं, यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी यहाँ पे, सभी खुश हैं। यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, सभी सम्मान दे के आ रहे हैं, सभी जो मुंह दिखाई की रस्म होती है हिंदू धर्म में उसको करके भी आ रहे हैं सब। दिखाई रस्म, मुंह दिखाई रस्म दे, मेरे एक भाई ने दिए 5100 रुपए, दूसरे भाई ने 5100, जो औरतें आ रही हैं अड़ोस पड़ोस वाली 5-500 रुपए दे के जा रही हैं मैक्सिमम। यहाँ तक हो गया जी, मतलब पूरा सहयोग चल रहा है, फुल सहयोग। अभी लड़के को कोई भी तरीके की कोई आवश्यकता जरूरत पड़ेगी वो भी करी जाएगी भाई के लिए। बच्चों का भी पालन पोषण करने के लिए तैयार? बिल्कुल होगा, वापस नहीं जाने दो? नहीं जाने देंगे। बच्चे कह रहे हैं हम नहीं जाना वापस, नहीं मारेंगे तो कोई बात नहीं, हम यहीं रखेंगे उन्हें। यहीं रखोगे जी? लेकिन वो नागरिकता की बात कर रही है कि मुझे नागरिकता मिलनी चाहिए, बच्चों को भी नागरिकता मिले। तरीका होगा, उस तरीके से दिलाया जाएगा उन्हें। अच्छा, तो आप क्या कहोगे जी भाई साहब, आपको नहीं बढ़िया लगा पाकिस्तान से बहू आई, आपने मुंह मोड़ दिया? वो तो बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। हाँ जी, ये तो बढ़िया लगा जी। मुंह ना खुल रहा हो ना? खूब खुल रहा, खूब खुल रहा। आप क्या कहोगे ताऊ जी, आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया हुआ जी। क्या बढ़िया हुआ? ये बढ़िया ये हुआ कि जी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई, अपने आप आई, कोई गया नहीं, और वो आ गई तो हमने शरण दे दी उसे। वो तो कह रही है कि वहाँ मौलाना बड़े बड़े हैं, वो कुछ कुछ बोल रहे हैं मेरे बारे में। वो कुछ भी कहो, जब हमारे मोदी जी हैं जिंदाबाद, तो हमें किसी का डर नहीं है, कोई डर नहीं है। नहीं, कोई डर, सीमा को भी डरने की जरूरत नहीं जी, डर नहीं है उसे भी। हिंदुस्तान जिंदाबाद है जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बहू पाकिस्तान की आ गई, ये भी जिंदाबाद, ये भी जिंदाबाद। देख सकते हैं मजमा यहाँ पर है, लोग यहाँ पर है। ताऊ जी बहुत हंस रहे हो, कहाँ है खुशी? अरे ना ना, मुझसे और भी आनी चाहिए क्या पाकिस्तान से बहुएं, और भी आनी चाहिए क्या ताऊ जी पाकिस्तान से? भैया ये तो एक इंसानियत की बात है, इंसानियत में पाकिस्तान हिंदुस्तान बटेगा, ये तो बंटवारे में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, और पहले तो सब एक ही थे, अब हमने उसको पाकिस्तान बना दिया, उसको हिंदुस्तान बना दिया, ये तो सब एक ही थे, अब उधर से इधर आए, इधर से उधर आए, ये तो एक इंसानियत है, इसमें कोई वो तो नहीं होना चाहिए। अब तुमने इसको बवाल बना रखा है, एक बच्चे को रोटी तक नहीं खाने दे रहे हो, ये कोई बात थोड़ी। भीड़ बहुत ज्यादा आ गई, भीड़ बहुत ज्यादा कर रखी है आपने, लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं, दूर दूर से भी आ रहे हैं। तो अब सहयोग रहेगा पूरे गांव का आपका? तो सहयोग तो है ही है सबका, बच्चे को बच्चे कई कई बार आ रहे हैं, ये कोई वो थोड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से लोग यहाँ पर हैं, जो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि है बड़ी खुशी है वो यहाँ पर आई है, और हमारा पूरा सहयोग इस पूरी बात पर है। यहाँ पर और भी लोग हैं, आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम बजिंदर सिंह है। बजिंदर सिंह, सीमा आ गई पाकिस्तान से, क्या कहोगे आप?
अब आ गई तो आई गई, क्या कर सकते हैं, अब आ गई तो आई गई पाकिस्तान से। पहले तो सीमा हैदर थी, अब सीमा सचिन बन गई। हाँ अब सीमा सचिन हो गई और क्या, वो तो नाम चेंज हो ही गया। पूजा भी कर रही है। हाँ पूजा भी करेगी अब तो, जो भी अब वो जाने के लिए तैयार ही नहीं है तो क्या करें, सब कुछ करेगी। लोग अपना रहे हैं। हाँ जो हम तो क्या, वो जो घर वाले हैं वो अपना रहे हैं। ये सच्ची मोहब्बत, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत है। जब पाकिस्तान छोड़ गए तो सच्ची मोहब्बत होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये अभी पहले हैदर से प्यार हुआ था, अब सचिन से प्यार हुआ, कहीं किसी और से ना पबजी में प्यार हो जाए दोबारा। पबजी तो बंद कर देगी ना ब्रो, इंडिया में आ गई। इंडिया में तो पबजी वैसे ही बैन है। आप क्या कहोगे भाई? कहते थे बड़े भैया जी ना, बोल रहे कुछ ना, बताते थे भाई, तो एक ही बात है। लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है, लोग लगातार यही बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। और इस तरीके से यहाँ पर मजमा इस वक्त जमता हुआ, ये तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट चुकी है। और वहाँ पर कहूँगा, दिखाइए अंकित, कि किस तरीके से लोग अभी भी वहाँ पर है, लोग भारी संख्या में आ रहे हैं, यानी गाँव के सभी लोग मुँह दिखाई की रस्म भी पूरी कर रहे हैं, यहाँ पर निभाते नजर आ रहे हैं उसको। दूर दराज से लोग जो हैं वो सीमा को देख रहे हैं, यानी पाकिस्तान से आई बहू का स्वागत भारत में जबरदस्त तरीके से हो रहा है। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।